प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आज तोहफा दिया है। भारतीय नौसेना के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। इस मौके पर अरब सागर में खड़ा INS विक्रमादित्य के डेक पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। करीब 4 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी INS विक्रमादित्य पर रहे और युद्धपोत को देश को समर्पित किया। अरब सागर की लहरों का बादशाह है, यह हिंद महासागर की लहरों का सम्राट है। बेमिसाल ताकत से लैस समंदर का सबसे ताकतवर सिपाही भारतीय नौसेना में शामिल हो चुका है। यह समंदर पर चलता फिरता शहर है। इसकी ताकत को आजमाने की भूल मत करना, यह जब गरजेगा तो सारे सूरमा मैदान छोड़ देंगे। देश की आन बान और शान, नौसेना का गौरव INS विक्रमादित्य अरब सागर में हुंकार भरने को तैयार है। देश की विशाल समुद्री सीमा का नया प्रहरी दायित्वों के साथ तैनात हो चुका है। नौ बजकर 42 मिनट पर प्रधानमंत्री गोवा नेवल बेस पहुंचे। 9 बजकर 48 मिनट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद 10 बजकर 13 मिनट पर हेलीकॉप्टर से मोदी विक्रमादित्य के लिए रवाना हुए। 6 मिनट बाद हेलीकॉप्टर ने विक्रमादित्य पर लैंड किया। उसके बाद मोदी 10 बजकर 24 मिनट पर विक्रमादित्य पर तैनात लड़ाकू विमान MiG-29 के कॉकपिट में बैठे। हमारा जहाज एक बड़ा गेम चेंजर है। इसकी क्षमता और इसकी कैपेबिलिटी, कॉम्बैट कैपेबिलिटी, एक क्वांटम लीप है हमारी जो एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज है। MiG-29 के जो हमारे पीछे अभी आप देख रहे हैं, उससे हमको एक शानदार कैपेबिलिटी मिलेगी ऐसी, सो दैट आर नेशनल इंटरेस्ट आर लिफ्ट अप। निसंदेह ये गौरव का क्षण है, न सिर्फ नौसेना और प्रधानमंत्री के लिए बल्कि सारा देश इस घड़ी का सालों से इंतजार कर रहा था। इस मौके पर मोदी ने साफ संदेश दिया, ये किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि आंखें मिलाकर बात करने के लिए है। प्रधानमंत्री ने फाइटर प्लेन MiG-29 का मुआयना किया, मिग की बारीकियों को ध्यान से सुना। विमान के पायलट ने उन्हें बताया कि किस तरह इसे उड़ाया जाता है। यहाँ से हम जरा को विमान को टेक ऑफ और लैंड करवा सकते हैं लोडेड विद वेपन्स, जिससे हम अगर किसी को अटैक करना हो या फ्लीट का एयर डिफेंस करना हो, उसका हमारा मेजर रोल है। अरब सागर में INS विक्रमादित्य लहरों के बीच पहुंचा। युद्धपोत को नेवी के दूसरे छोटे पोत घेर कर चल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्धपोत पर लड़ाकू विमान को उतरते और उड़ान भरते भी देखा। अरब सागर में प्रधानमंत्री को चलते INS विक्रमादित्य पर से सलामी दी गई। नरेंद्र मोदी सबसे पहले INS विक्रमादित्य का दौरा करके शायद ये संदेश दे रहे हों कि उनके लिए देश की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। इस दौरान INS विक्रमादित्य के प्रमुख हिस्सों को खुद जाकर देखा। नौसेना के बड़े अधिकारी इस दौरान प्रधानमंत्री को तकनीकी जानकारी देते दिखे। INS विराट के बाद देश का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर रूस से करीब करीब 15.5 करोड़ में खरीदा गया है INS विक्रमादित्य। एक बार समुद्र में जाने के बाद ये 45 दिनों तक बिना किसी जरूरत के मूव कर सकता है। प्रधानमंत्री करीब 4 घंटे तक INS विक्रमादित्य के डेक पर मौजूद रहे। राहुल कमल, गोवा आज तक।